हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्केस्टी। आज के वीडियो में हम देखेंगे 10 कलरफुल ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जिससे बच्चों की ऑब्जर्वेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन स्किल इम्प्रूव होगी और इसे करने में बच्चों को मजा भी आएगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह है फर्स्ट एक्टिविटी, क्रैक द कोड एंड मेक वर्ड्स। इसमें मैंने हर एरो को एक अल्फाबेट असाइन किया है, उसकी हेल्प से बच्चों को 3 लेटर वर्ड्स फॉर्म करना है। जैसे यहाँ पे राइट एरो में कौन सा अल्फाबेट है, पी, तो यहाँ पे लिखेंगे पी। लेफ्ट एरो में यू, तो यहाँ पे यू। अप कर टी, तो यहाँ पे लिखेंगे टी, तो वर्ड बन गया पुट, पी यू टी पुट। उसी तरह से यहाँ पे डाउन एरो में है सी अल्फाबेट। अप एरो ए, अप कर एरो टी, तो यहाँ पे लिखेंगे टी, तो वर्ड बन गया कैट, सी ए टी कैट। इस तरह से बच्चों को वर्ड्स फॉर्म करने हैं। यह है सेकंड एक्टिविटी, इसमें बच्चों को सिंपल एडिशन करना है। जैसे कि यहाँ पे 1 + 2 होता है 3, तो 3 नंबर पे जो भी कलर है वो बच्चों को आइडेंटिफाई करना है और वही कलर यहाँ पे फिल करना है। जैसे कि यहाँ पे 3 पे ऑरेंज कलर, तो यहाँ पे बच्चे को ऑरेंज कलर फिल करना है। उसी तरह से 1 + 1 होता है 2, 2 पे ब्लू कलर, तो यहाँ पे बच्चों को ब्लू कलर फिल करना है। इस तरह से बच्चों को एड एंड कलर, ये दोनों एक्टिविटी एक साथ करनी है। इससे बच्चों के एडिशन एंड कलर आइडेंटिफिकेशन की प्रैक्टिस होगी। यह है थर्ड एक्टिविटी, इसमें बच्चों को डॉट्स कनेक्ट करने हैं और स्क्वायर फॉर्म करना है। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से स्क्वायर फॉर्म करना है, इससे बच्चों की स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ ही साथ स्क्वायर के 4 इक्वल साइड्स होते हैं, ये भी बच्चों को पता चलेगा। यह है फोर्थ एक्टिविटी, काउंट द ट्रायंगल्स इन द पिरामिड। इस पिरामिड में कितने ट्रायंगल्स हैं वो बच्चे को काउंट करने हैं। जैसे कि यहाँ पे ये 1 ट्रायंगल 2 3, इस तरह से सारे ट्रायंगल्स बच्चे को काउंट करने हैं और यहाँ पे लिखने हैं। ये एक फन एक्टिविटी है, थोड़ी डिफिकल्ट जरूर है, बट बच्चों को मजा भी आएगा। यह है फिफ्थ एक्टिविटी, ये एक्टिविटी बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। यहाँ पे मैंने कुछ ट्रीज ड्रॉ किए हैं और उसमें कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, तो बच्चे को नंबर के अकॉर्डिंग एप्पल स्टिक करने हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर है, 1 में तो 1 एप्पल स्टिक करना है। इस तरह से आप एप्पल कट करके दीजिए तो 1 एप्पल स्टिक करना है। 2 नंबर, तो यहाँ पे 2 एप्पल स्टिक करना है। इससे बच्चे नंबर आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे और साथ ही साथ काउंटिंग भी कर पाएंगे। ये रही सिक्स्थ एक्टिविटी, यहाँ पे बच्चों को खुद का नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सिया, SIYA। इसमें जो भी लेटर्स आते हैं वो बच्चों को यहाँ पे सर्च करना है और उसको सर्कल करना है। जैसे पहला है S, SIYA, सिया, इस तरह से। इससे बच्चों को उनके नाम का स्पेलिंग याद रहेगा। यह है नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पे मैंने 8 अलग अलग पैटर्न्स दिए हुए हैं और उनको A to H नाम दिया है, तो बच्चे को यही सेम पैटर्न यहाँ पे ढूंढने हैं और उसको नाम देने हैं। जैसे कि यहाँ पे A वाला पैटर्न कहाँ पे है, ये पैटर्न यहाँ पे है, तो यहाँ पे नाम देंगे हम A। उसी तरह से सेम पैटर्न A, देन B वाला पैटर्न यहाँ पे है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम B। इस तरह से बच्चों को पैटर्न्स मैच करने हैं। इस एक्टिविटी से बच्चे की कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑब्जर्वेशन स्किल इम्प्रूव होगी। यह है नेक्स्ट एक्टिविटी, यहाँ पे मैंने अलग अलग डायरेक्शंस में एरो दिए हुए हैं, तो बच्चे को जो अप एरो है वो आइडेंटिफाई करना है और उसको सर्कल करना है। जैसे कि अप एरो यहाँ पे है, तो इसे हम सर्कल करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे इसे भी हम सर्कल करेंगे। इस तरह से ये एक फन एक्टिविटी है, इससे बच्चों को बहुत मजा आएगा। यह है नेक्स्ट एक्टिविटी, इसमें मैंने 10 सर्कल्स दिए हुए हैं और उसमें अलग अलग कलर्स हैं, तो बच्चे को वो कलर आइडेंटिफाई करना है और मैच करना है। जैसे कि यहाँ पे ब्लू कलर है, ब्लू कलर, ये ब्लू कलर यहाँ पे स्टिक करना है। देन रेड कलर है, तो रेड कलर, ग्रीन कलर, इस तरह से। इससे बच्चों के कलर्स रिवाइज हो जाएंगे। यह है लास्ट एक्टिविटी,
इसमें बच्चों को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एरोज ड्रॉ करने हैं। जैसे कि यहाँ पे अल्फाबेट ई है, तो ई हम बच्चों को कैसे सिखाते हैं? पहला है स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन सिखाने के लिए हमें डाउन एरो, तो पहले इस तरह से जाएंगे हम डाउन एरो। देन स्लीपिंग लाइन इस तरह से, तो राइट एरो, अगेन राइट एरो, इस तरह से बच्चों को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग एरो ड्रॉ करने हैं। तो आज हमने इस वीडियो में देखी 10 कलरफुल ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।